म्यूटेशन ह्यूमन या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक्स मटेरियल में होने वाला बदलाव जो उन्हें फिजिकली या जेनेटिकली बदल देता है। 19th century तक लोग जिसके नाम से भी अनजान थे, उस दौर में जन्म हुआ एक ऐसे साइंटिस्ट का जिसने लोगों की सोच को बदल दिया और बन गया जेनेटिक्स की दुनिया का एक मशहूर नाम। गैरी डी वराइज जो एक लॉयर थे, उनकी वाइफ मारिया रिवेंस को पता भी नहीं था कि आज उनके बेटे के रूप में एक फ्यूचर साइंटिस्ट पैदा हुआ है। ह्यूगो अपनी छोटी उम्र से ही बॉटनी में इंटरेस्टेड थे और इस सब्जेक्ट में उन्होंने कई प्राइज और अवार्ड भी जीते थे। अपनी बॉटनी की हायर स्टडीज के लिए उसने लैडिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन की। वह इवोल्यूशन थ्योरी से बहुत इम्प्रेस थे। इन दिनों उन्होंने इफेक्ट ऑफ हीट ऑन प्लांट रूट टॉपिक पर एक आर्टिकल लिखकर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। 1871 टू 1875 तक क्लासेस लेना शुरू किए और 1881 में प्रोफेसर बन गए। अपनी अंतक कोशिशों और स्ट्रगल के बाद उन्होंने एक बुक पब्लिश की जो डार्विन थ्योरी ऑफ पेंजिन के मॉडिफाइड वर्जन के बेस पर थी, जिसमें ह्यूगो ने कहा कि इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट इन ऑर्गेनिज्म कम इन पार्टिकल्स। उन्होंने इन पार्टिकल को नाम दिया पेंजिन, जिसे 20 साल बाद विलियम जॉनसन ने नाम दिया जीन। ह्यूगो की ये थ्योरी उन दिनों कुछ खास नोटिस नहीं की गई। ये ह्यूगो का सबसे बड़ा फेलियर था और इस फेलियर के बाद वह बिखर से गए, टूट से गए, पर टूटने का मतलब हारना नहीं होता। अपनी इस फेलियर के बाद भी ह्यूगो ने अपना स्ट्रगल जारी रखते हुए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसने उनका नाम आसमान की बुलंदी तक पहुंचा दिया। एक नेचुरल स्पेसिस से किसी नई स्पेसिस के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने के लिए ह्यूगो ने अपनी थ्योरी पब्लिश की, जिसे म्यूटेशन थ्योरी ऑफ डी वराइज के नाम से जाना जाता है। ह्यूगो की थ्योरी के मुताबिक नई स्पेसिस तब अराइज होती है जब नेचुरल स्पेसिस में सडन और परमानेंट चेंज होते हैं। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उसने इवनिंग प्राइम रूट, जिसका साइंटिफिक नेम इनोथेरा लैमेरकिना है, का इस्तेमाल किया। उसने इस रोज में कुछ न्यूली डेवलप्ड इनहेरिटेड कैरेक्टर ऑब्जर्व किए और इन हेरिडिटरी चेंजेस को नाम दिया म्यूटेशन, और जिस ऑर्गेनिज्म के अंडर म्यूटेशन पाया गया उसे नाम दिया म्यूटेंट। अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए ह्यूगो ने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे एक नॉर्मल शिप से एक शॉर्ट लेग वाली शिप, एक हॉर्न कैटल से एक हॉर्नलेस कैटल तैयार होती है, वो भी सिंगल स्टेप में। हेयरलेस कैट भी अपने नॉर्मल पेरेंट से ही तैयार होती है और हेयरलेस डॉग भी अपने नॉर्मल पेरेंट से ही तैयार होती है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए ही वाज अवार्डेड बाय डार्विन मेडल इन 1906 एंड द लिनियन मेडल इन 1929। अपनी सोच और लगन से उसने एक ऐसा आविष्कार किया जिसे लोगों ने गलत समझकर ठुकरा दिया। शायद लोग उन्हें पागल भी कहते होंगे, मगर कौन जानता था इसी पागल के विचार लोग अपने विचारों में लेंगे। सच, स्ट्रगल और कॉन्फिडेंस ऐसे हथियार हैं जिनसे कोई भी जंग जीती जा सकती है, और जिंदगी के इस जंग में स्ट्रगल हर किसी को करना पड़ता है। मगर स्ट्रगल करते करते कोई हार जाता है, पर दुनिया उसे याद रखती है जो बड़ी हार से बड़ा विश्व निर्माण करता है, और युद्ध ऐसे ही बिक्री हार से जीतने वालों को द फादर ऑफ म्यूटेशन ही नहीं बल्कि कहती है द फादर ऑफ मोटिवेशन।